लाइव 24 के खास कार्यक्रम बात समाधान के कार्यक्रम में लाइव 24 की उत्तराखंड टीम ने रुड़की से विधायक प्रदीप बत्रा से सीधी बात की, जिसमें उन्होंने बताया कि जब से लॉकडाउन हुआ है तब से 24 घंटे और सातों दिन हमारे कैंप कार्यालय पर भोजन की व्यवस्था के साथ लोगों को प्रशासन से अनुमति दिलवाने का काम उनके द्वारा किया जा रहा है। इसके साथ ही माय रुड़की माय प्राइड नारे में रुड़की के विभिन्न क्षेत्रों के सौंदर्यीकरण करने का काम भी करवाया जा रहा है। लाइव 24 को मैं बात समाधान कार्यक्रम शुरू करने के लिए बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ। और समाधान शब्द ही अपने आप में ऐसा है कि जनप्रतिनिधि काम ही समस्याओं का समाधान करना है, जो कि हम लगातार यहाँ पर अपने कैंप कार्यालय, जिसको हम सेवा केंद्र बोलते हैं, यहाँ से लगातार सेवा चल रही है। और ख़ास तौर से कोविड के टाइम में 3 महीने से लगातार यहाँ पर जो है लोगों के पास परमिशन और खाने की व्यवस्था, राशन की व्यवस्था, ये सभी कार्य जो है यहाँ से चल रही है। अभी 3 साल कार्यकाल आपका पूरा हो चुका है, तो अभी तक क्या उपलब्धियां रही हैं आपकी और भविष्य में क्या उपलब्धियां, क्या योजनाएं हैं रुड़की शहर को लेके, यहाँ के विकास को लेके? ये सही कहा आपने, कैंप कार्यालय हमारा लगातार चल रहा है, ना सिर्फ खाने को लेकर बल्कि यहाँ पर आयुष्मान कार्ड बनना हो, किसी का आधार कार्ड बनना हो, वोटर आईडी बनना हो, पेंशन योजना है, वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन और जितनी भी सरकारी योजना है सभी को हम यहाँ से फार्म भर के उसको हम निजाम बनाते हैं और जो योजना का लाभ सरकार का है वो लोगों तक पहुँचे, ये हमारा लक्ष्य रहता है, यही उद्देश्य रहता है। बात रही रुड़की की, रुड़की में लगातार विकास कर रहे हैं, पिछले 3 साल से नहीं, मैं कहूँगा 8 साल से चल रहे हैं, क्योंकि मैं 8 साल से यहाँ पर विधायक हूँ, तो लगातार हमने यहाँ पर बहुत काम कराए हैं। सड़कों का चौड़ीकरण करना, सीवरेज की लाइन डालना, पानी की लाइनें डालना, पुलों का निर्माण होना और जगह जगह सौंदर्यीकरण, हॉर्टिकल्चर, टाइल्स लगना, फुटपाथ बनना, ये सारे कार्य मैं समझता हूँ कि रुड़की शहर अपने आप में एक आज एक स्मार्ट सिटी के रूप में दिखाई देता है, वो इसी की वजह से है। डोर टू डोर कलेक्शन, कूड़ा उठाना गाड़ी से मैंने जब नगरपालिका चेयरमैन था तब शुरू कराया था, इसी तर्ज पर हम लोग काम कर रहे हैं कि रुड़की जो है, रुड़की शहर सफाई में उत्तराखंड में नंबर 1 आ रहा है पिछले 3 साल से लगातार। और ना सिर्फ मैं अकेले बल्कि पूरा रुड़की शहर इसमें सहयोग कर रहा है, हमने नारा भी दिया है माई सिटी माई प्राइड, मेरा शहर मेरा गौरव, तो सभी लोगों का सहयोग इसमें रहता है, एक टीम वर्क है जो टीम पूरी काम करती है और शहर आज हमारा रुड़की नंबर 1। लाइव 24 के माध्यम से अपने विधानसभा क्षेत्र की जनता के लिए क्या संदेश है आपका? लाइव 24 के माध्यम से मैं शहर की जनता को ये कहना चाहूँगा कि जैसे समय इस टाइम कोविड का चल रहा है, कोविड-19 का समय है, तो सभी लोग जो है इसके नियम पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, सैनिटाइज करें, अपने हाथ लगातार करते रहें हर एक घंटे में, और जो है साफ़ सफाई रखें और लॉकडाउन का पालन करें जो लॉकडाउन के टाइम सरकार द्वारा दिए गए हैं, और आवश्यक काम से ही बाहर निकलें, बिना आवश्यक काम से बाहर ना निकलें, अननेसेसरी इधर उधर ना घूमें और आसपास साफ सफाई स्वच्छ रखें, इससे कि हम कोविड से जल्दी निजात पा लेंगे और दोबारा से अपनी जो ज़िंदगी है, जो एक आर्थिक स्थिति है, उसको दोबारा पटरी पर लाने का प्रयास करेंगे। रुड़की के लोग सभी इसमें सहयोग कर भी रहे हैं, मैं समझता हूँ रुड़की के लोगों का धन्यवाद करता हूँ कि लोग सभी जो सरकार के नियम निर्देशों का पालन कर रहे हैं, मैं सभी को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। 100% प्लेसमेंट के साथ हम देंगे आपको मौका। लाइव 24 मीडिया इंस्टीट्यूट, एडमिशन ओपन, रजिस्ट्रेशन के लिए कॉल करें 9560464170।